इस माँ के कोख से बेटा छीन लिया गया, बड़ा बेटा छीन लिया गया। और देखिए रेस्टोरेंट का मालिक और उसका बेटा किस तरह से पल्ला छुरा रहा है। ये माँ सच बोल रही है, दबाव में कुछ नहीं कर सकता है। आपको वो दवा बनाया नहीं जा रहा है? नहीं, हम बता दिया आपको। कोई व्यक्ति मर गया है? नहीं, अभी हम यहाँ पर एक व्यक्ति की लाश जल रही है। इस व्यक्ति को बताया जा रहा है कि इस व्यक्ति ने आत्महत्या किया है, लेकिन तस्वीर से देखकर नजर लगा सकते हैं कि कैलाश जी के घर पर मौजूद हूँ और तस्वीर देख सकते हैं इनके घर की क्या हाल है। ये विश्वास जी की पत्नी है, इन्हीं से जानेंगे पूरी कहानी पहले क्या क्या है। ये बताइए विश्वास जी, जिस तरह से वीडियो सामने आया है आत्महत्या का, क्या कहना चाहते उस पर आप? घर से वो कुछ करके नहीं गए थे, अच्छे से खा के पी के कपड़ा पहन के, रात में मेरे से बात भी की है, 10:30 बजे मेरे से बात हुआ, आएंगे जी तो बोले कि आज हम नहीं आएंगे, बोले उस पर भी कि बढ़िया से खा पी के सो जाइएगा, ठंडा है, बोले ठीक है। सुबह में हमको दुकान खोलना है, लड्डू गोपाल में काम करते थे वहाँ, और कभी पहले भी नहीं आते थे, तुम सोचे कि काम है तो इसलिए नहीं आएंगे आज, नॉर्मल सी बात थी मेरे लिए, तो नहीं आया रात को। हाँ सुबह में फिर फोन हम उठे तब 10-11 बजे के बीच में किए तो फोन नहीं उठाए, तो सोते थे 10-11-12 बजे, तो मेरा लगा कि नहीं सो के उठे होंगे इसलिए नहीं फोन उठाए हैं। फिर हम छोड़ दिए फोन करना, फिर एक बज गए हम घर में रह गए, फिर नहीं फोन किए। फिर फोन आया कि वहाँ इमरजेंसी सेवा है, उनके भाई के पास, उनके भाई का नंबर था उस वहाँ के स्टाफ के लोग के पास, आया कि भाई इमरजेंसी में है आपका। गए तो आधा रास्ता पहुँचे तो वहाँ देखो कि ख़त्म ही हो गया। अंतिम बातचीत कब हुई थी मेरे से? हाँ जी, शुक्रवार की रात 10:30-10 के बीच। अंतिम बातचीत क्या हुई थी? अंतिम बातचीत यही, आने के लिए हम पूछे, फ़ोन किए, बोले कि आप आएंगे, तो बोले कि हम नहीं आएंगे आज, हम कल हमको, वो बोले कि कल हमको सुबह दुकान खोलना है, तो बोले कि दुकान खोलने वाला नहीं है, तो नहीं वो छुट्टी पर गया हुआ है, जो हम ही को दुकान खोलना है। कोई दबाव आपके पति के ऊपर? मेरे तरफ से कुछ नहीं था, कोई डिमांड वमांड पूरा कुछ नहीं मेरे से। तो आपके पति यह कदम क्यों उठा सकते हैं जिस तरह से वीडियो सामने आत्महत्या वाला? मेरे पति आत्महत्या नहीं किया। तो फिर क्या हुआ उनके साथ? उनके साथ कोई किया गलत सर, मेरे पति पर शक है आपका? वहीं के लोग पर, वहीं के स्टाफ पर जहाँ काम करते हैं, वहाँ का स्टाफ। आप कौन हुए? हम माँ है उसका। क्या लगता है चाची, कौन कर सकता है? हमको अब हमको यही लग रहा है कि उसको रूम वहाँ मिला हुआ था। अच्छा। और लड्डू गोपाल जो है उसके ऊपर रेस्टोरेंट है, हॉटपॉट, हॉटपॉट, उसमें 5 साल से मेरा लड़का काम कर रहा है। अच्छा। और उनको जो गोलू भैया है उनको माने विश्वास जी के बेटा के तरह मानते थे, बेटा के तरह मानते थे, उनसे कोई शिकायत मेरा नहीं है, लेकिन वहाँ के स्टाफ ने बच्चे से मेरा खुचड़ करते थे। अच्छा। कभी कभी कुचल करते थे। हाँ। जैसे वही सोया रहता था ने, अब कह देते थे गोलू भैया से, बहुत बार ऐसा हुआ, बहुत बार हुआ था, कह देता था कि नहीं आए हैं विश्वास जी, अब विश्वास जी वही रूम पर सोया रहते थे और झगड़ा करवा देता था हम मालिक से कि नहीं आया है आपका यहाँ काम करने वाला। विश्वास जी कौन है? विश्वास जी मेरे पति है, जिनका डेथ हुआ। बड़ा बेटा मेरा? जी जी, बड़ा बेटा आपका है? बड़ा बेटा है विश्वास जी। अच्छा, आप पिताजी हुए हैं? हाँ। जी। जैसे कि बातचीत जब मीडिया से उन्होंने किया है, हॉटपॉट के रेस्टोरेंट के मालिक, उनका कहना है कि छुट्टी उनको कभी मिला ही नहीं, वो रेगुलर आता था वो काम जिसे पे। वो तो वहाँ हाँ। के काम के लिए उनके यहाँ कोई श्राद्ध हुआ था गुरु जी के यहाँ। हाँ। तो समझिए कि वो यहीं बर्तन भाषण सब कुछ खरीद के घर का समझिए कि ऑलराउंडर था, मैनेजर, बावर्ची, भिस्ती, खर्च सब काम मैनेजर था। उस जितना लड्डू गोपाल का उनका है कपड़ा दुकान, उनका बीवी बैठते हैं कपड़ा दुकान, वहाँ तक मेरे बच्चे काम कर। क्या किस पे शक जा रहा है आपका? देखिए शक जा रहा है, देखिए मेरा शक है यही। नहीं, जो पहले आपके साथ हुआ जो जो 5 रोज पहले, 5 रोज पहले क्या हुआ? 5 रोज पहले क्या हुआ, सच्चाई बताइए। सच्चाई 5 रोज पहले क्या हुआ? 5 रोज या 6 रोज जो भी है, मैंने ये हफ्ते भर में सारा कहानी है। 5 रोज पहले क्या हुआ कि मेरा लड़का रेस्टोरेंट में सुतल था। अच्छा। मेरा लड़का जैसा बोला हम नहीं देखे, लड़का कहा कि वही सुतल है, और वहाँ के लोग सब कह दिया गोलू भैया के कि विश्वास जी नहीं आए हैं ड्यूटी पर।
ये कह दिया। और विश्वास जी सवेरे उठ के घर पर आ गया 9 बजे, 9:30 में वो घर पर। अच्छा। घर पर आया 11 बजे, गोलू भैया फोन किया उसका भाई पर कि विश्वास कहाँ गया है, से वो रेस्टोरेंट में दूर से काम नहीं है रेस्टोरेंट में। तो ये बोला विश्वास दी, आकाश बोला उसका भाई कि वो घर पर है, तो उसको भेजो। ये घर में आपस में दोनों भाई लड़ाई किया कि लड़ाई क्यों किया था, लड़ाई मैंने इस चीज़ किया कि तुम क्यों ने छुट्टी लेके आते हो। अच्छा। तुम छुट्टी लेके तो कानपुर से आओ गोलू भैया सब पूछ करके, तुम कहीं वहाँ से उठ। गोलू कौन है, मालिक के बेटा हुए? मालिक हुए कि बेटा हुए जी? हाँ, उसका बेटा वहाँ बैठता है। बैठता, उनसे छुट्टी नहीं लिया था वो, ऐसी चाल आया था। अच्छा, बिना छुट्टी लिए हुए आपका बेटा यहाँ चलाया था? चलाया था जी। वहाँ कह दिया लोग था वही, अब कह दिया कि नहीं, सवेरे आया, सवेरे आया 9:30। जब 9:30 में यहाँ आया तो गोलू भैया के खबर हुआ कि विश्वास जी नहीं है। विश्वास जी के भाई पर फोन आया कि विश्वास जी यहाँ नहीं है, कहाँ गया। घर पर फोन किया, मम्मी भैया हमके भैया तुरंत आया है अभी। उसके बाद कहा क्या कि गोलू भैया कहीं कि दूर बोलने लगा छुट्टी का नहीं लेके आया तुम, ऐसे कहा दोनों भाई बक्सा किया। ये क्या किया कि उठ कर करके दुकान पर, मेरा दुकान है यहाँ पर जाँच घर पश्चिम दरवाजा, वहाँ पर दुकान पर भाई पर गर्म होने कि तुम क्यों दूसरा की बात मानते हो, मेरा बात क्यों नहीं मानते हो, हम नौकर है किसी को, हम छुट्टी नहीं ले सकते हैं, हम जानवर हैं, हम नहीं छुट्टी लेके आ सकते हैं, आ सकते हैं, हम छुट्टी लिए हैं, हम सबके कहले भूले छुट्टी के लिए, हम 24 घंटा बैठ के तरह करते रहे से हम छुट्टी लेकर के आए से हम पूछो वहाँ पर। तब गोलू भैया फिर कहें कि तुम हम उससे बात कराओ, यहाँ से गया मेरा बेटा कहा कि हम नहीं काम करेंगे आपके यहाँ। अच्छा, मेरा बेटा कहा इस बात। हाँ, गोलू भैया मुँह पर बोले अभी, अभी आप बोले हैं, बोले काम नहीं करना चाहते हैं। हाँ, बोले हैं खुद गोलू जी से। गोलू जी से वो बोला फोन पर पश्चिम दरवाजा में अपना दुकान पर बेटा मेरा कि हम नहीं काम करेंगे, अब हमको नौकर पूछ लिए हैं 24 घंटा, अब हम पर विश्वास नहीं करते, दूसरा क्या बात मानते हैं, हम वही सुतल है रूम पर, अब आप कह रहे हैं क्या कि नहीं विश्वास जी है तो मानिए दूसरा क्या बात, हम नहीं आप ही काम करेंगे। उसको फिर इससे सुन लिए गोलू जी, सुन के गोलू जी आकाश जी से छोटा बेटा आकाश, हाँ, कि तुम उसको हमसे बात कराओ, फिर कुमरार भेजो, कुमरार भेजो उसको, कुमरार भेजो, हाँ, समझा करके कुमरार में भी दुकान है, लड्डू गोपाल का बहुत बहुत रेस्टोरेंट, हाँ हाँ हाँ, लड्डू गोपाल मिठाई का दुकान है, हाँ, मिठाई की दुकान वहाँ पर फिर आया घर में, लैट्रिन गया, खाना खाया घर में, बात कर ला पर गोलू भैया के, खाना खाया लैट्रिन बाथरूम गया, पेपर पढ़ गया, गाड़ी हेलमेट लिया, चाबी लिया, कल ये कहाँ जा रहे हैं बेटा, तो बोले कुमरार जा रहे हैं। गोलू भैया बोला है कुमरार जा रहे हैं, कुमरार गया, कुमरार में 4 बजे तक कुमरार में गोलू भैया से क्या बात हुआ, हमको बेटा नहीं कहा, नहीं कहा हमारा। अच्छा। बेटा कुछ नहीं, हमसे बेटा बोला, फिर गोलू भैया समझाए, पैसा पढ़ाए क्या किए, पैसा मांगा क्या किया, उमर वाला जाने, आया गोलू भैया जाने, देखिए इस माँ के कोक से बेटा छीन लिया गया, बड़ा बेटा छीन लिया गया, और देखिए रेस्टोरेंट का मालिक और उसका बेटा किस तरह से पल्ला छुरा रहा है, ये माँ सच बोल रही है, माँ सच बोल रहा है। हाँ, पटन देवी में, हाँ हाँ, पकड़ के कसम खा के, हाँ, ये बेटा के चलते बोल सकते हैं, हाँ, चलिए जहाँ ले चलते, साथ क्या हुआ है, आत्महत्या के भी उसकी हत्या हुई है। वहाँ जब 4 बजे तक रहा है, हाँ, फिर वो जाने लगा स्याना, हाँ, लड्डू गोपाल हॉटपॉट, पत्नी फोन किया इसको कि आप कहाँ हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ हैं, कुम्हारे में हैं, तो कहा नहीं कुम्हार नहीं, हम हॉट वहाँ स्याना जा रहे हैं, स्याना जा रहे हैं जहाँ ड्यूटी करता था। बोलो भैया सर समझ बुझ हो गया होगा, समझौता हो गया होगा। अच्छा। और उसके बाद वो चला गया वहाँ, रात में काम किया, फिर आया घर, हो गया बात खत्म, बात होगी खत्म। उसके बाद फिर क्या हुआ कि फिर बेटा मेरा ड्यूटी जैसे जाता है जर वैसे चला गया, हाँ। शुक्रवार के भी बेटा मेरा उठा बृहस्पत गया यार वहाँ से ड्यूटी से 12:30 में आता है, 12:00 में आ जाता है घर, घर आया हूँ, सुखाया पिया अपना सोया पत्नी आग सुलगा दो तापेंगे बैठेंगे
सब चीज किया, हमको उससे कोई मतलब नहीं। सुबह में वो लेट से उठता है, लेट से उठा, पेपर पढ़ा, लेटरिन किया, नहाया, मुंह धोया, खाना खाया, उसके बाद कपड़ा पहना, कपड़ा पहना से लाया था सूटर, कहा ने कि देखिए माँ पियो सूट मत आपको दे बेटा, नहीं दिखाया, दिखाया वो अपना सूटर दिखाया, पेट के जो जा रहा था लड्डू को देखिए फोटो में है वो सूटर, मेरा बेटा पहन लिया, कहा कि माँ देखो ना सूटर जो लाया है ना से प्योर ऊनी है, देखो ना माँ से हम पहन लेते सूटर, हमके पहन लो बेटा, पहन लिया सूटर, जैकेट ले लिया पोलोथीन में, चार्जर ले लिया, ईयरफोन ले लिया बेटा मेरा, घड़ी ले लिया बेटा मेरा, अंगूठी पहन ले हाथ में बेटा तू को मेरा, माला पहन ले रुद्राज के माला पहन ले, कान में सोना का मेरा, हीरो था मेरा बेटा, राजकुमार था हीरो, इसको हीरो कहते हैं। फिर आत्महत्या क्यों कहा जा रहा है? वो अपना लड्डू गोपाल बचने के लिए, बचने के लिए, बचने के लिए पैसा उठा भाई से खाने के टाइम में, माया भाई से उस दिन, हाँ उस दिन फिर थी, जब जा रही थी, जा रहा था तिस्ता चुज के, तो बोला ने कि माँ से अपनी छोटी बहन के शादी करेंगे, से छोटी बहन, हाँ छोटी बहन के शादी, बेटी भी है, हाँ छोटी बेटी है, कितना उम्र हो रहा उनका? 16-20 साल रखिए। उसका शादी करवाना चाह रहा था, हाँ वो कहा क्या सुनिए शादी के लिए माँ शादी करेंगे उसको, भाई कहा कि विश्वास जी ने कहा, विश्वास, हाँ आकाश जी कहा, विश्वास जी के कि भैया घर बना लो, अच्छा घर रहने का नहीं है मेरा, हाँ। तब वो कहा बड़ा बेटा कि घर नहीं बनाबो, बहन को शादी करो, बहन के शादी करेंगे, देख लीजिए बहन की शादी करवाना चाह रहा था विश्वास, विश्वास तो मरेगा, बहन की शादी करेगा, देख लीजिए जब जो लड़का अपना बहन को शादी करवाना चाह रहा हो, क्या वो लड़का आत्महत्या कर सकता है? सुनिए बहन के शादी कर सकता है जी, बहन के साथ, सुनिए मेरा बात, बहन के शादी के लिए बोला, बहन के शादी के माँ मार्च से हम भरतुहारी करेंगे, मार्च में, मार्च से भरतुहारी करेंगे, इसी मार्च में, इसी मार्च में, अच्छा और नवंबर दिसंबर में शादी करेंगे, होटल से करेंगे माँ, प्लेट रखेंगे माँ सिस्टम, माँ बहुत बड़ा अरमान देखे गया मेरा बेटा, हम कह रो बहुत अरमान दिया हमको, दिल जा दिया बेटा मेरा, आपकी बेटा का आपका बेटा का हत्या हुआ है, फिर आत्महत्या किया है? दूसरा कोई किया, कौन किया है, किस पे शक जा रहा आपका? उसी लड्डू गोपाल पर जा रहा, लड्डू गोपाल, पुलिस क्या कही अब तक? कुछ नहीं कही, कोई सहायता की पुलिस? कुछ, देख लीजिए बिहार पुलिस कुछ नहीं, मौके पर नहीं है, कुछ नहीं, और उतार के ये खबर पुलिस की, समझ सकते हैं ये खबर पूरे मीडिया जगत में आग की तरह बरर होना चाहिए था कि किस तरह से घर में, गरीब घर में एक बेटा को उजाड़ दिया गया, या पत्नी विधवा हो गई, इस मार्क से कोक सुना हो गया, बड़ा बेटा चला गया, अभी खबर नहीं है, बहन को बुलाइए इनको, और देखिए देश की मीडिया को बागेश्वर धाम में क्या क्या हो रहा है, तो सारा मीडिया लटक गया है, लेकिन इस धाम में क्या हो रहा है, गरीब के घर में क्या हो रहा है, कोई मीडिया नहीं है, सिर्फ हम लोग इस खबर को दिखा रहे हैं, हमको ले चलेंगे लड्डू गोपाल, हम चलेंगे लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल, हम चलेंगे लड्डू गोपाल, हम उनको खा जाएंगे, हम लड्डू जी का चार दिन पहले क्या बोले थे, चार दिन पहले बोले थे ना कि हमको देख के सब जलन, हाँ, कहता था ने कि माँ हमसे जलन होता है माँ, इसलिए गोलू भैया हमको बहुत मानते हैं, हमको गोलू भैया मानते हैं माँ, ये एक लड़ाई जो है ना मालिक और नौकर के बीच में है, गोलू जिनका नाम बार बार जिक्र कर रहे हैं, होट पोट रेस्टोरेंट के मालिक है वो।